Hello friends, in this video we will going to discuss a problem based on basic electrical engineering. Find the input resistance of the circuit between point A and B. यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे एक सर्किट दिया हुआ है जिसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी. देन हाउ वी विल प्रोसीड दिस प्रॉब्लम. फर्स्ट ऑफ ऑल we redraw from here to here 4 ohm and this or point here yahan se yahan tak ka point kya hai c point hai. Then c and ye resistance mera resistance triangular form mein hai. Then 4 ohm here 8 ohm here 6 ohm here 8 ohm 4 ohm theek hai. To ab ye mera jo resistance hai wo delta form mein hai. तो उसके बाद इसको हम लोग किस फॉर्म में कनेक्ट करेंगे? स्टार फॉर्म में कनेक्ट करेंगे. तो कैसे कनेक्ट करेंगे इसको स्टार में? इस तरह से बनाएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा पॉइंट बी है, ये मेरा पॉइंट ए है, ये मेरा पॉइंट सी था, ये मेरा पॉइंट डी, ये मेरा पॉइंट ई, सपोज ये मेरा पॉइंट ओ. ये तो फोर ओम, ये चौम, ये फोर ओम. अब यहाँ ये जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आएगा आफ्टर कन्वर्टिंग डेल्टा टू स्टार, तो वो कितना हो जाएगा? सपोज स्टार को डेल्टा में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करते हैं, देन सपोज ये पॉइंट मेरा ओ है, तो आर ओ सी मेरा क्या हो जाएगा? देन आर ओ सी इक्वल टू 4 × 8 अपॉन 4 + 6 + 8 दैट मीन्स 18. देन 32 अपॉन 18 ओम दैट मीन्स 16/9, ठीक है. सिमिलरली आर ओ डी, आर ओ डी मेरा कितना हो जाएगा? आर ओ डी 6 × 4 अपॉन नीचे तो सेम रहेगा, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो अपॉन 9. आर ओ ई मेरा क्या हो जाएगा? आर ओ ई 6 × 8 अपॉन 18, ये मेरा कितना हो जाएगा? 24 अपॉन 9. देन अब ये रेसिस्टेंस की जगह पे हम लोग ये रेसिस्टेंस लिखेंगे. आर ओ सी मेरा क्या हो जाएगा? 16/9. आर ओ डी मेरा क्या हो जाएगा? 12/9. एंड आर ओ ई मेरा क्या हो जाएगा? 24/9, ठीक है. तो कंसिडर करते हैं. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखते हैं इस पॉइंट से, ओ पॉइंट से. तो ओ पॉइंट से अगर हम लोग चलते हैं तो ये दोनों रेसिस्टेंस मेरे क्या है? सीरीज में कनेक्ट है. एंड ये इधर से अगर चलते हैं तो ये दोनों रेसिस्टेंस में भी मेरा क्या है? सीरीज में कनेक्ट है. तो रीड्रॉ करते हैं यहाँ पे फिगर अगेन. देन इस तरह से ये सपोज पॉइंट ए, ये मेरा बी और सी, ये पॉइंट सपोज ओ था, ये मेरा 16/9, ये मेरा था 24/9, 12/9, ये मेरा था 4, ये मेरा था 8. अब ये दोनों रेसिस्टेंस आपस में सीरीज में है, उसके बाद दोनों पैरेलल में. देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस? सपोज ये मेरा फिगर नंबर डी है, देन इस तरह से दोनों सीरीज रेसिस्टेंस आपस में सिंपल ऐड हो जाएंगे. तो आफ्टर एडिशन मेरा कितना आएगा? 24/9 + 4. देन यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे सपोज पॉइंट ओ था, तो आर ओ बी 1 इक्वल टू 8 + 12/9 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा? अपॉन 3, 28/3, ठीक है. ये आर ओ बी 1, ये मेरा हो गया
28 अपॉन 3। उसी तरह से हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे इधर वाले रेसिस्टेंस को, देन मेरा क्या होगा, ये हो जाएगा सपोज आर ओ बी 2, देन 4 प्लस 24 अपॉन 9, देन मेरा क्या हो जाएगा 9, 36 प्लस 24, देन मेरा क्या हो जाएगा 20 अपॉन 3 ओम। तो ये मेरा क्या हो गया 20 अपॉन 3 ओम। ठीक है, अब ये मेरे साथ ये दोनों ओ और बी पॉइंट से जो रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं वो मेरे क्या है पैरेलल में कनेक्ट है, तो पैरेलल इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, ये डी था तो ये मेरा ई है। ठीक है, फिर से रीड्रॉ करेंगे, स्टार्ट फ्रॉम हियर, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस था ए बी, ये 4 ओम हो जाएगा, ये 16/9 ओम हो जाएगा। अब जो मेरा इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा उसको किस तरह से निकालेंगे, सपोज यहाँ पे था मेरा ई ए, सपोज ये फिगर नंबर ई ऑफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, अगर आर इक्विवेलेंट यहाँ पे लिखते हैं तो मेरा कौन कौन से रेसिस्टेंस पैरेलल में थे, 28 अपॉन 3 एंड 20 अपॉन 3, देन 28 अपॉन 3 इंटू 20 अपॉन 3 डिवाइडेड बाई 20 अपॉन 3 प्लस 28 अपॉन 3। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा कितना आ जाएगा, जाएगा ऊपर 9, 28 अपॉन 20 डिवाइडेड बाई मेरा क्या आ जाएगा 20 प्लस 28 दैट मीन्स 48 अपॉन 3। अगर इसको हम लोग कट करते हैं देन मेरा क्या हो जाएगा 28 इंटू 20 अपॉन 48 इंटू 3 8/5 अपॉन 9। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो मेरा 35 अपॉन 9, देन दिस इज 35 अपॉन 9। अब मेरा क्या आर इक्विवेलेंट ए भी निकालना है, क्वेश्चन में क्या था इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस और इनपुट रेसिस्टेंस अबाउट द पॉइंट ए बी, देन मेरा क्या हो जाएगा फाइनल आर ए बी, आर ए बी मेरा क्या हो जाएगा 4 ओम इन दिस फिगर, 4 ओम सारे रेसिस्टेंस मेरे क्या है सीरीज में कनेक्टेड हैं, जब सीरीज में कनेक्टेड रहते हैं तो सारे रेसिस्टेंस इन पर ऐड हो जाते हैं, देन 35 अपॉन 9। ठीक है, इतना हम लोग करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, 36 प्लस 60 प्लस 35, देन मेरा क्या हो जाएगा 87 अपॉन 9। ठीक है, ये मेरा आर इक्विवेलेंट, आर ए बी इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंट 87 अपॉन 9 ओम। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।